कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए राणा एजुकेशन को और करे अपने NCHMCT JEE UGC NET का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो गाइस, आज से 12 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था NSTAT के लिए और मैंने कहा था कि विद इन 10-15 डेज NSTAT की नोटिफिकेशन आने वाली है। वो बात बिल्कुल सही हो चुकी है, NSTAT की नोटिफिकेशन आ चुकी है। आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये स्कीम फॉर नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट जो आपका NSTAT एग्ज़ाम होता है टू बी कनेक्टेड बाई NCHM 2024 में फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम होने वाला है गाइज, उसकी नोटिफिकेशन आ चुकी है एंड आज हम इसके बारे में बहुत ही डिटेल में बात करने वाले हैं। ये थोड़ा सा वीडियो लंबा होने वाला है क्योंकि इसमें आपको मैं थोड़ा एग्ज़ाम के बारे में बताऊंगा, प्लस इसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है वो सब कुछ हम आज यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो नमस्कार, मेरा नाम है मनोज राणा, मैं IHM शिमला में लेक्चरर हूँ। एंड अगर आप इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि फ्यूचर में आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं गाइज। जैसे मैंने कहा कि आज से 12-15 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, कहा था कि विद इन 10-15 डेज नोटिफिकेशन आने वाली है। ये वो नोटिफिकेशन है, कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं NSTAT 2024 के एग्ज़ाम के रिगार्डिंग, है ना। ये एग्ज़ाम फ़िलहाल जो टेंटेटिव डेट आपको दी हुई है 17th of November, जी हाँ नेक्स्ट मंथ ये एग्ज़ाम आपका होने वाला है। एंड 1 अक्टूबर से लेके 1 नवंबर तक इस एग्ज़ाम को ऑनलाइन भरा जा सकता है। कहाँ भर सकते हैं? NCHM का जो पोर्टल है वहाँ पे जाके आप इस एग्ज़ाम को, इस फॉर्म को भर सकते हैं। लास्ट डेट क्या है इसकी? टिल 1st of November, है ना। एडमिट कार्ड, ये सब सारी डेट्स जो हमें टेंटेटिव हैं, है ना। डाउनलोड एडमिट कार्ड की डेट्स हैं वो है 11 नवंबर से 17 नवंबर के बीच में, ओके। 17 को आपका एग्ज़ाम ये हो जाएगा, उसके बाद आप इसका अपना जो आपकी आंसर शीट है उसको आप डाउनलोड कर सकते हो, वो डेट यहाँ पे दे रखी है। देन आपकी रिवाइज फाइनल आंसर की 26/11 तक आ जाएगी एंड जो इनका रिजल्ट को डिक्लेयर करेंगे वो डेट दे रखी है ऑन और बिफोर 5 दिसंबर। सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट में लिखा है द डेट्स में चेंज ऑन एनी अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांस विद प्रायर नोटिस। और जहाँ तक NCHM की हिस्ट्री है, बहुत बार ये एग्ज़ाम जो है गाइज वो पोस्टपोन हुआ है, जो डेट्स दी गई हैं उससे आगे तक ये डेट्स जो है एक्सटेंड हुई हैं। तो यहाँ भी हम हिस्ट्री को देख के कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि इस एग्ज़ाम की डेट जो है वो थोड़ा सा पोस्टपोन हो जाए, ओके। ये NSTAT का ब्रोशर है और ये आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, है ना। बाकी क्योंकि बाकी आप सभी जानते ही हैं, मैं बहुत डिटेल में नहीं बताऊंगा, ओके। एलिजिबिलिटी क्या है आप सबको पता है, है ना। मैंने लास्ट जो वीडियो बनाया था वहाँ पे सब कुछ बताया था डिटेल में, NSTAT क्या होता है, NSTAT करने के बाद आपको कहाँ जॉब मिलेगी, NSTAT फॉर्म को भरने के लिए आपकी क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। तो सारी ऑलमोस्ट जो मैंने बताई थी वही हैं इस साल के ब्रोशर में भी, कोई मेजर चेंजेस नहीं हैं, है ना। आप इस पूरी जो ये ब्रोशर है उसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, है ना। पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 कितने मार्क्स के होते हैं वो सब कुछ यहाँ बहुत डिटेल में दे रखा है, ओके। अगर फिर भी कोई आपको डाउट यहाँ पर रहता है रिगार्डिंग दिस ब्रोशर, है ना, या एलिजिबिलिटी, तो आप इस वीडियो के कमेंट में आके पूछ सकते हैं, मैं आपके सारे डॉट्स वहाँ पे क्लैरिफाई कर दूँगा। ऑलराइट गाइस, आज जो हम बात करने वाले हैं वो हम करने वाले हैं, ये तो होगी एग्ज़ाम की डेट्स कि एग्ज़ाम कब होने वाला है और ऑनलाइन मोड पे होने वाला है। हम बात करेंगे इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसे करनी है। जैसे कि आपको पता है राणा एजुकेशन पिछले 5 साल से इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करवा रहा है, इस साल भी हम ये बैच लेके आए हैं। मैंने कहा था आपसे कि जैसे ही एग्ज़ाम की नोटिफिकेशन आएगी वी विल स्टार्ट आर लाइव क्लासेस, ओके ओके गाइस। तो ये रहा टाइम टेबल ऑफ ऑनलाइन कंप्लीट कोर्स NSTAT 2024 और ये बैच 1 है, क्योंकि 2024 में 2024 में एग्ज़ाम में भी फर्स्ट टाइम हो रहा है, है ना। तो ये बैच 1 ही रहेगा हमारा। उसके बाद अगर हम इस बैच की बात करें गाइस, ये बैच हम शुरू करने वाले हैं 10 अक्टूबर से लेके और 16th of November तक क्लासेस चलने वाली हैं, है ना।
टाइम कम है, बट हम इस कम टाइम में भी कंप्लीट सिलेबस कवर करने वाले हैं। मैंने कहा था, मैंने हर वीडियो में कहता हूँ कि बच्चे हर साल यही वेट करते हैं कि नोटिफिकेशन आएगी तो हम एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करेंगे, और मैं साथ में ये भी कहता हूँ कि NCHM बहुत ही कम टाइम देता है इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने के लिए। तो जो समझदार बच्चे थे उन्होंने मेरे पहले वीडियो पे ही इस कोर्स को सब्सक्राइब कर लिया था, है ना, और जो मैंने एक वीडियो फैब में बनाया था, फैब 24 में, तब से कुछ बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं जो तब से लेकर अब तक इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। नो प्रॉब्लम, अभी हम इसको शुरू करने वाले हैं। 10 अक्टूबर से लेके 16 तक के क्लासेस चलेंगी, लाइव क्लासेस रहेंगी, ठीक है। हम पूरा सिलेबस, जो एंटायर सिलेबस, उसे कवर करने वाले हैं। ऑलराइट, ये क्लासेस गाइस जूम पे होंगी, मेरी ऐप राणा एजुकेशन के अंदर होंगी। बहुत से बच्चों को पता है जो पहले से जुड़े हुए हैं, है ना, ये सारी क्लासेस जूम पे होंगी। जूम जो है मेरी ऐप में इंटीग्रेटेड है, तो वहीं पे लाइव क्लासेस चलेंगी। क्लासेस की टाइमिंग क्या रहने वाली है, टाइम रहेगी 7 to 8 PM। यस, आई एम रिपीटिंग, इवनिंग में 7 to 8 PM ये क्लास टाइमिंग रहेगी, मंडे से सैटरडे। पहले क्लासेस मंडे से थर्सडे हुआ करती थी, बट क्योंकि टाइम कम है इसलिए हमने क्लासेस को मंडे से सैटरडे अभी कर दिया है। संडे जो है, संडे भी आपका ऑफ नहीं रहेगा, संडे को आपको मॉक टेस्ट मिला करेंगे एज पर टाइम टेबल। शुरू करते हैं, 10 तारीख को हमारी फर्स्ट क्लास होगी और 10 से लेके 19 तक हम 10 दिन तक लगातार पेपर वन पढ़ने वाले हैं। आप सबको मालूम है पेपर वन हमारा जनरल पेपर होता है। पेपर वन में मेनली क्या आते हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, है ना। तो 10 तारीख को हम शुरू करेंगे मोटिवेशनल ओपनिंग, पूरा एक फ्रेमवर्क जो है डिज़ाइन, जो आपको बताऊँगा मैं कैसे क्लासेज हमारी चलेंगी। प्लस उस दिन हम एक टॉपिक कवर करेंगे जिसका नाम है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्योंकि टॉपिक जो है वो स्टार्टिंग से ही पढ़ना होता है, है ना, तो इसके कुछ ट्रिक्स आपको बताऊंगा मैं। सो 10 तारीख को हम ओपनिंग लेक्चर होगा प्लस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। उसके बाद 11 अक्टूबर से लेके 14 अक्टूबर तक टीचिंग एप्टीट्यूड विद मॉक टेस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पेपर वन का, 15 से 20 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, है ना। देन 15 अक्टूबर से लेके 17 अक्टूबर तक हम पढ़ेंगे रिसर्च एप्टीट्यूड विद मॉक टेस्ट, यहाँ से 5-6 क्वेश्चन आते हैं, कई बार 8-9 क्वेश्चन भी आ जाते हैं, नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं बट यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली आते हैं। 18 तारीख को हम पढ़ेंगे रीजनिंग विद मॉक टेस्ट, यहाँ से 4 या 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, है ना, जैसे नंबर सिस्टम, ब्लड रिलेशंस, ऐसे कुछ टॉपिक हम यहाँ पे कवर करेंगे। 19 तारीख को हम पढ़ेंगे GK विद मॉक टेस्ट, क्योंकि जो आपका जनरल नॉलेज है यहाँ से भी क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। ये 4 टॉपिक हैं जहाँ से, 5 टॉपिक्स हैं, है ना, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से 5 क्वेश्चन आते हैं। तो टोटल ये इन टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, रीजनिंग एंड GK, इनको मिला के पेपर वन में 50 क्वेश्चन आते हैं। तो पेपर वन जो है वो हम कवर करने वाले हैं कब से कब, 10 तारीख से लेके 19 तक, ओके। और उसके बाद जैसे पेपर वन ख़त्म हो जाएगा तो 20 तारीख को गाइज आपको मिलेंगे, जबकि 20 तारीख को संडे है, लेकिन संडे को आपको मिलेंगे 3 मॉक टेस्ट बैक टू बैक पूरे दिन में पेपर वन के, जो प्रीवियस ईयर्स के पेपर हुए हैं 17 में, 18 में, 19 में, 20 में, 22 में, उनको सॉल्व किया गया है हमारी टीम के द्वारा, उनको मॉक टेस्ट में कन्वर्ट किया गया है और उनमें नेगेटिव मार्किंग भी लगाई हुई है। तो आपको वो टेस्ट असाइन होंगे, आप उनको अटेम्प्ट करेंगे और वो बताएगा कि आपके 50 में से कितने क्वेश्चन सही हुए, कितने क्वेश्चन गलत हुए और आपके कितने मार्क्स आए। बिल्कुल एक्चुअल आपको एग्ज़ाम वाली फीलिंग आने वाली है। तब यहाँ पे लिखा है 3 शिफ्ट्स, संडे को 3 शिफ्ट्स में आपको 3 अलग अलग पेपर मिलेंगे इन द फॉर्म ऑफ मॉक टेस्ट, है ना, जिसको आप अपने फ़ोन पे चला सकते हो, लैपटॉप पे चला सकते हो, और जिसमें कि नेगेटिव मार्किंग जो है वो रहेगी, बिल्कुल एक्चुअल एग्ज़ाम ही रहेगा आपका वो, ताकि आपको मालूम पड़े कि आप पेपर वन में कहाँ पे स्टैंड करते हैं। ऑलराइट, मूविंग अहेड, 21 अक्टूबर से लेके 2 नवंबर तक हम करने वाले हैं पेपर 2। और आप सबको पता है जो NSTAT एग्ज़ाम दे रहे हैं, ये जो फर्स्ट टाइम दे रहे हैं उनको बता दूं मैं, पेपर 2 सबसे डिफ़िकल्ट पेपर है अगर हम तीनों पेपर को कंपेयर करें तो, और पेपर 2 ही आपका डिसाइडिंग पेपर होता है। मेरे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके 200 से ज़्यादा मार्क्स आए हैं, 207, 208, 210, लेकिन पेपर 2 वो क्वालिफाई नहीं कर पाए, इसलिए वो NSTAT को क्वालिफाई नहीं कर पाए। एक और चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए कि इस पेपर में, इस एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग होती है और नेगेटिव मार्किंग के रेशियो बहुत हाई है,
हाफ, मतलब एक क्वेश्चन गलत तो आपका आधा नंबर गया। यूजुअली ये 0.25 होती है, बट यहाँ पे हाफ है ना। नंबर टू जो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है, क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है। आपको ऐसा नहीं कि पेपर थ्री में आपने बहुत हाई स्कोर कर लिया और पेपर टू में आपने कम मार्क्स किए, तो ऐसा नहीं होगा। आपको पेपर वन, पेपर टू, पेपर थ्री मिनिमम मार्क्स लेके आने पड़ेंगे, जो कि जनरल कैटेगरी के लिए अलग हैं और रिजर्व कैटेगरी के लिए अलग हैं। जो एनएसटेट का ब्रोशर है उसमें सब चीज़ बहुत ही डिटेल में दी हुई है, फिर भी आपको कोई चीज़ अगर समझ नहीं आती है आप कमेंट में पूछ सकते हैं, आई विल हेल्प यू। ऑलराइट, तो पेपर टू सबसे टिपिकल पेपर और ये गेम चेंजर है आपका, है ना, क्योंकि पेपर वन जो है वो नॉर्मल सा पेपर होता है, पेपर थ्री जो है वो आपके सब्जेक्ट का ही पेपर है जो आपने 3 साल डिग्री में पढ़ा होगा, है ना, आपका किचन सर्विस, हाउसकीपिंग, फ्रंट ऑफिस सभी पढ़ लेते हैं, उसमें उसको भी आप कर लेते हैं। पेपर टू, क्योंकि पेपर टू में क्या है, पेपर टू में आपका मैनेजमेंट है, होटल अकाउंट्स है, फूड साइंस है, न्यूट्रिशन है, फूड कॉस्टिंग है, ये वो सब्जेक्ट थे हमारे ग्रेजुएशन में जिनको हम ध्यान से नहीं पढ़ते थे, फोकस हमारा 4 डिपार्टमेंट्स पे ही होता था। अब ये बात NCHM को पता है कि हमारा फोकस कहाँ होता था, इसीलिए वो पेपर टू जो है वो बहुत डिफ़िकल्ट आता है। तो पेपर टू हम कवर करने वाले हैं 21 अक्टूबर से लेके 2 नवंबर तक। 21 अक्टूबर से 24 अक्टूबर के बीच में हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन विद मॉक टेस्ट, फूड साइंस विद मॉक टेस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से 10 से 15 क्वेश्चन आते हैं। 25 अक्टूबर से लेके 29 अक्टूबर तक हम पढ़ेंगे होटल अकाउंट्स, फूड्स कॉस्टिंग विद मॉक टेस्ट, है ना, अगेन यहाँ से 10 से 15 क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, है ना। एंड 30 अक्टूबर से 2 नवंबर के बीच में हम पढ़ रहे होंगे मैनेजमेंट विद मॉक टेस्ट, है ना, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। इन 3-4 टॉपिक से ही आपके 50 क्वेश्चन आते हैं पेपर टू में। अब आप ध्यान करो और याद करो कि आप जो ग्रेजुएशन में थे तो आप मस्ती कर रहे थे या फिर आप होटल अकाउंट्स पढ़ रहे थे या मैनेजमेंट पढ़ रहे थे, है ना, या न्यूट्रिशन फूड साइंस पढ़ रहे थे, ये हम सिर्फ पास करने के लिए पढ़ते थे, यही ट्रिक है। तो इस पेपर को बहुत ही ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, है ना। इस पेपर को जो ट्यूटर हैं वो ऑलरेडी NSTET क्वालिफाइड हैं एंड ही इज़ टीचिंग इन IHM सिंस 7 to 8 years। ओके, मैं लास्ट में बताऊँगा हमारे ट्यूटर कौन कौन से हैं। ओके, तो यहाँ पेपर टू हमारा कवर हो जाता है। देन हम 3 नवंबर को अगेन पेपर टू के आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे बैक टू बैक, उस पूरा दिन जैसे कि पेपर वन के दिए थे 3 शिफ्ट्स में मिलेंगे, एंड सेम उसमें भी आपका विद आंसर की होंगे एंड विद नेगेटिव मार्किंग होंगे। तो आपको मॉक टेस्ट मिलेगा, असाइन होगा, आप उसको खोलेंगे, वहाँ 50 क्वेश्चन खोलेंगे पेपर टू के, आप उसको अटेम्प्ट करोगे, पेपर को सबमिट करोगे, वहाँ आपके मार्क्स आएंगे, क्वेश्चन गलत होगा तो मार्क्स कट के आएंगे, और वैसे आपको इस पूरे जो पेपर टू है इसके 3 पेपर मिलेंगे पूरे दिन में, 3 अलग अलग शिफ्ट्स में। गॉट इट। देन आते हैं पेपर थ्री, जो कि 4 नवंबर से लेके हम करेंगे 16 नवंबर तक, क्योंकि 17 नवंबर को आपका एग्ज़ाम होना है, है ना। अब आप सोचेंगे कि पेपर थ्री के लिए कम टाइम है, ठीक है, मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा था कि जो डेट्स हैं एग्ज़ाम की ये टेंटेटिव हैं, है ना, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये डेट बढ़ जाएगी आगे, हो सकता है ये एग्ज़ाम दिसंबर में चला जाए। अगर वैसे हुआ तब तो हम बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन अगर वैसे नहीं भी हुआ, है ना, तो हम आपकी क्लास की टाइमिंग बढ़ा देंगे, आपकी क्लास 1.5 घंटे की हो जाएगी या 2 घंटे की हो जाएगी या सुबह शाम क्लासेस करेंगे, लेकिन सिलेबस आपका कंप्लीट किया जाएगा, आपका जो जितने भी ट्रिक्स हैं पेपर 1, 2, 3 के वो सारे आपको बताए जाएंगे। ऑलराइट, तो आपने टेंशन नहीं लेनी है कि कम टाइम है। 4 नवंबर से लेकर 16 तक हम पढ़ेंगे पेपर 3, जिसमें कि 4 से 6 तक हम पढ़ रहे होंगे हाउसकीपिंग विद मॉक टेस्ट, 7 से लेकर 9 तक हम पढ़ेंगे फ्रंट ऑफिस विद मॉक टेस्ट, 25 क्वेश्चन आते हैं, आपको पता है 4 मेन डिपार्टमेंट है वहाँ से 25 क्वेश्चन सभी के आते हैं, है ना, और जो आपका एक तो जेनरिक है आपका, है ना, और एक आपका F&B स्पेशलाइजेशन है, वहाँ पे 60-40 के रेशियो। आप एक बार ब्रोशर पढ़ेंगे तो आप खुद ही समझ जाओगे। 10 तारीख को, क्योंकि यह संडे है, तो संडे को मैंने क्या किया है, पेपर 3 के जैसे कि हमने पेपर 2 पेपर 1 के मॉक टेस्ट का प्रैक्टिस किया था, वैसे ही पेपर 3 का भी करेंगे, है ना। कंप्लीट आपको 100 नंबर का पेपर मिलेगा एज अ मॉक टेस्ट विद नेगेटिव मार्किंग, ठीक है, और 2 शिफ्ट में 2 पेपर मिलेंगे आपको। देन 11 से लेकर 13 नवंबर तक हम करेंगे F&B सर्विस विद मॉक टेस्ट, ओके,
एंड 14 से लेके 16 नवंबर तक हम कर रहे होंगे फूड प्रोडक्शन विद मॉक टेस्ट, और इसमें बेकरी भी रहेगा, ठीक है। इसमें आप बेकरी क्लासेस भी, हम एक बेकरी क्लास भी करेंगे। ऑल राइट, NCHM का टेंटेटिव डेट्स हैं, वैसे हमारा भी ये टेंटेटिव टाइम टेबल है। अगर उनकी डेट्स चेंज नहीं होती हैं तो ये पूरा स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाएगा, चाहे आपकी क्लास की टाइमिंग बढ़ानी पड़ जाए। और उनकी डेट्स अगर एक्सटेंड होती हैं तो हमारी क्लासेस भी आगे को एक्सटेंड हो जाएंगी। ऑल राइट, 16 तारीख, क्योंकि 17 को आपका एग्ज़ाम है तो 16 को हम एक छोटा सा सेशन और करेंगे, जहाँ पे एग्ज़ाम स्ट्रेटजीज, नेगेटिव मार्किंग, हैंडलिंग ट्रिक्स, टाइम मैनेजमेंट एंड योर अदर ट्रिक्स जो इस एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सारे आपको यहाँ पे बताए जाएंगे। ऑल राइट, तो गाइज ये हमारा एक टाइम टेबल है जो कि हम शुरू करने वाले हैं 10th of October, जी हाँ, नेक्स्ट थर्सडे से हम एज पर दिस टाइम टेबल वी विल स्टार्ट द क्लासेस। ओके गाइज, तो ये सारी क्लासेस कहाँ होनी है? सारी क्लासेस मेरी एप्लीकेशन राणा एजुकेशन पे होनी है। ये उस एप्लीकेशन का होम पेज है गाइज। इस ऐप को डाउनलोड इंस्टॉल कैसे करना है उस पर अलग से वीडियो बनाया है, जिसका लिंक अभी आपको आई बटन में दिख रहा होगा और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दिया गया है। तो वहाँ से जाके आप इस ऐप को डाउनलोड इंस्टॉल कर लेंगे, इस ऐप को ओपन करेंगे और उसके बाद आप कोर्सेज में जाएंगे, वहाँ पे आप सर्च करेंगे NSTET या NSTAT। तो NSTAT के हमारे पास आप देख सकते हैं टोटल 8 कोर्सेज हैं, है ना। NSTAT के 8 कोर्सेज हैं और इन सभी कोर्सेज को अलग से हर एक कोर्स को डिफाइन किया गया है, जिसका लिंक आपको अभी आई बटन में दिख रहा होगा, जिसमें कि हर एक कोर्स को अलग से डिफाइन किया गया है, क्योंकि ये इन 8 में से 7 कोर्सेज रिकॉर्डेड कोर्सेज हैं, जहाँ पे लाइव क्लासेज नहीं होती हैं। पेपर 1 का अलग है, 2 का अलग है, 3 का अलग है, पेपर 1-2 का मिक्सचर है, पेपर 2-3 का मिक्सचर है, NSTAT की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी है। ये सारे कोर्सेज हैं, रिकॉर्डेड कोर्सेज हैं, आप इनको सब्सक्राइब करके अपने सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। लेकिन अभी जो हमने टाइम टेबल डिस्कस किया, इससे पहले जो क्लासेस होनी हैं उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग, वो कौन से कोर्स में होनी है? वो होनी है इस कोर्स में, कंप्लीट कोर्स ऑफ NSTET एडवांस, है ना। इस पर क्लिक कर लेंगे तो गाइज ये कोर्स आपके सामने ओपन हो जाता है। अगेन इस कोर्स की जो गाइज डिस्क्रिप्शन है, इसको आप एक बार ध्यान से पढ़ लेंगे। ये जो डिस्क्रिप्शन है, यहाँ पे हर एक चीज़ को बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। एंड ये डिस्क्रिप्शन पढ़ने के बाद ही आप फैसला लें कि आपको ये कोर्स लेना है कि नहीं लेना है। ऑलराइट, सबसे पहले बात कर लेते हैं गाइज इस कोर्स की वैलिडिटी। इस कोर्स की जो वैलिडिटी है वो मल्टीपल वैलिडिटीज़ है, मीन्स वहाँ पे 2 वैलिडिटी आपके सामने आएगी। आप जब इस कोर्स को ओपन करते हैं और इसको बाय नाउ करेंगे या ज्वाइन नाउ करेंगे, तो वहाँ पे आपकी वैलिडिटी में 2 ऑप्शंस आएंगी। एक है 6 मंथ्स की वैलिडिटी और एक है 3 मंथ्स की वैलिडिटी। 6 मंथ्स की वैलिडिटी इस कोर्स की मेन वैलिडिटी है, जो हमेशा से यही रहती है। जो 3 मंथ्स की वैलिडिटी है, मैंने अभी की है, क्योंकि अभी नवंबर में एग्ज़ाम प्रपोज्ड है 17th of November को, पर मैंने ये भी कहा कि हो सकता है डेट एक्सटेंड हो जाए, तो हम इसको 3 मंथ्स लेके चल रहे हैं। अक्टूबर अभी चला हुआ है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक एग्ज़ाम हर हालत में हो जाना चाहिए। तो 3 मंथ्स वैलिडिटी में ब्रेक कर दिया है एंड 6 मंथ्स वैलिडिटी में ब्रेक कर दिया है, जो भी आपके बजट को सूट करता है, है ना। आपको आगे 6 महीने के लिए चाहिए, आपको और प्रिपरेशन करनी है, आप एग्ज़ाम फर्स्ट टाइम दे रहे हो, है ना, आप चाहते हो कि मैं अभी क्लासेस भी लगा लूं और उसके बाद एग्ज़ाम देने के बाद भी मैं इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करता रहूं, क्योंकि आपको फर्स्ट टाइम है, आपको लग रहा है कि आपका भी फर्स्ट टाइम नहीं होगा, बहुत सारे आपके पॉइंट्स हो सकते हैं। तो अगर आपको 6 मंथ्स की वैलिडिटी चाहिए तो आप 4999 वाला कोर्स लेंगे 6 मंथ्स, और आपको अगर 3 मंथ्स की वैलिडिटी चाहिए, मीन्स एग्ज़ाम तक की वैलिडिटी चाहिए, तो आप ये 3 मंथ्स वाला कोर्स जो है वो सब्सक्राइब करेंगे गाइस। और इन दोनों ही वैलिडिटी में हमारी लाइव क्लासेस चलेंगी, आप उसको अटेंड कर सकते हैं। मैंने कहा था कि जो समझदार बच्चे हैं वो बहुत पहले से इस कोर्स को ज्वाइन कर चुके हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं स्टूडेंट्स एनरोल्ड टिल डेट, ठीक है। तो ये हमारी डिस्क्रिप्शन आ गई, वैलिडिटी आ गई। ज्वाइन करने के लिए आपने कुछ नहीं करना है, नीचे बाय नाउ की आपको ऑप्शन दिख रही होगी या ज्वाइन नाउ की ऑप्शन दिख रही होगी, वहाँ पे क्लिक करेंगे, पेमेंट का पेज खुल जाएगा, बहुत सारी ऑप्शन है पे करने की, जिससे पे करो आप इस कोर्स में ऐड हो जाएंगे। अगर हम कंटेंट पे क्लिक करते हैं, ये कंटेंट है इसका,
बहुत सारा कंटेंट है, और इस कंटेंट को भी एक अलग से, इतना कंटेंट है कि इसको एक्सप्लेन करने के लिए मुझे अलग से वीडियो बनाना पड़ा, जिसका लिंक अगेन ऊपर आई बटन में दिख रहा होगा, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, अब एक और चीज़, कुछ जो बहुत बच्चों की कॉमन क्वेरीज होती हैं वो आपको बता देता हूँ मैं, है ना। गाइस, ये जो ऐप है राणा एजुकेशन, ये आपके सभी डिवाइसेस पे एक्सेसिबल है। आप इसको अपने एंड्रॉयड फ़ोन पे, एप्पल पे, iOS पे, डेस्कटॉप पे, आईपैड पे, टैब पे, कहीं भी खोल सकते हैं। ये हर जगह पे एक्सेसिबल है, नंबर एक। नंबर दो, आप इस कोर्स में जितने भी वीडियोज़ हैं, मॉक टेस्ट हैं, PDF हैं, उन सब का डेमो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो अगर आपको कोई भी डाउट होता है कि वीडियो की क्वालिटी कैसे होने वाली है, मॉक टेस्ट कैसे मिलेंगे, PDF कैसे होंगे, वो सारे एक एक डेमो यहाँ पे दिया हुआ है, आप उनको देख लें, है ना, और उसके बाद आप इसको कोर्स को ज्वाइन करें। नंबर थ्री, ये हम फर्स्ट टाइम नहीं कर रहे हैं, पिछले 5 साल से राणा एजुकेशन इस कोर्स की प्रिपरेशन करवा रहा है। बहुत सारे बच्चे हमसे जुड़ के इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर चुके हैं। उन बच्चों के साथ मैंने वीडियोज भी शूट किए थे, जिनका लिंक अभी आपको आई बटन में दिखेगा या फिर नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ जाके आप उन बच्चों के वीडियोज़ भी देख सकते हैं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं स्टडी मटेरियल। ठीक है, तो जो NHT ब्रोशर है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, और मेरी ऐप में आप जब कोर्स को ज्वाइन कर लोगे तो यहाँ सिलेबस में अब आपको अलग से यहाँ पे दिख जाएगा। पेपर 1 का स्टडी मटेरियल, पेपर 2 का स्टडी मटेरियल, पेपर 3 का स्टडी मटेरियल, है ना। उसके बाद मॉक टेस्ट, पेपर 1 के अलग, पेपर 2 के अलग, पेपर 3 के अलग, फिर प्रीवियस ईयर पेपर किसके, MSc के, है ना, 15, 17, 18, 19, 20, यहाँ से भी आपको बहुत से क्वेश्चन मिलेंगे, है ना। देन प्रीवियस ईयर पेपर NHTAT के, कब से, जब से NHTAT होना शुरू हुआ है तब से लेकर अब तक आपको सारे ही मॉक टेस्ट यहाँ पे मिलने वाले हैं। देन उसके अलावा असिस्टेंट लेक्चरर और लेक्चरर की पोस्ट के लिए वेरियस IHMs में एग्ज़ाम होते हैं। आपको पता है NHTAT आने से पहले असिस्टेंट लेक्चरर की पोस्ट के लिए डायरेक्ट एग्ज़ाम होता था, वो सारे पेपर जितने भी IHM में हुए हैं आपको यहाँ मिल जाएंगे। लेक्चरर की पोस्ट के लिए IHMs में अभी भी एग्ज़ाम होता है, वो एग्ज़ाम भी आपको यहाँ मिल जाएंगे। मंथ वाइज ये के आपको यहाँ मिल जाता है ना। एंड हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री न्यूज़ आपको यहाँ मिल जाती है। तो गाइज, दिस इज़ अ कम्प्लीट पैकेज, मतलब इतना मटेरियल है इसमें कि अगर आप इसको भी पढ़ लोगे शिद्दत के साथ तो आपका NHTAT क्वालिफाई होने से कोई नहीं रुक सकता, है ना। नंबर 4, आई गेस 4 या 5th पॉइंट है, आज तक जितनी भी लाइव क्लासेस आज से पहले हुई हैं वो आपको रिकॉर्डेड वीडियोज यहाँ पे मिल जाएंगे। मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे ये पेपर 2 है, इसको क्लिक करते हैं, ये देखो फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन, इसको क्लिक करते हैं, है ना, ये तो रिकॉर्डेड वीडियोज़ हैं, प्लस जो लाइव क्लासेज हुई हैं आज से पहले वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। यहाँ पर क्लिक करेंगे, ये देखो 2023 में हमने 3 बैच निकाले थे, 3 बैच, बैच 1 लाइव क्लासेस, क्लासेस की ड्यूरेशन देखो 1 आवर 14 मिनट्स, 1 आवर, मतलब हर एक टॉपिक को जो लाइव क्लासेस में समझाया गया था वो तक यहाँ पे अवेलेबल हैं। ये तो अवेलेबल रहेंगे रहेंगे, प्लस लाइव क्लासेस यहाँ दोबारा से होने वाली हैं। तो दिस इज़ अ कम्प्लीट पैकेज, मैं इसके अलावा और कुछ नहीं बोलना चाहूँगा, है ना। इस कोर्स को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, और जितना भी इस कोर्स का स्टडी मटेरियल है ना, जो भी यहाँ पे बताया हुआ है, मैं आपको पूरा बता भी नहीं पाया क्योंकि वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा नहीं तो, ठीक है, जितना भी आपको यहाँ पे स्टफ दिख रहा है, इस सब का एक एक जो डेमो है वो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। सो आई गेस मैंने इस NHTAT एग्ज़ाम का हर एक चीज़ आपको बहुत डिटेल में बता दी है। इस कोर्स को ज्वाइन करिए, या तो 3 मंथ्स के लिए करिए या 6 मंथ्स के लिए करिए, जैसे आपका बजट आपको अलाउ करता है। और 10 अक्टूबर को हम क्लासेस को शुरू करने वाले हैं। हाँ, लास्ट, इस कोर्स में ट्यूटर कौन कौन रहने वाले हैं? गाइस, ट्यूटर पेपर 1 आपको मैं पढ़ाऊंगा, मेरी क्वालिफिकेशन क्या है वो इस वीडियो के लास्ट में आप देख सकते हैं। पेपर 2 आपको पढ़ाएंगे मिस्टर भूपेंद्र सर, NHTAT क्वालिफाइड, नेट क्वालिफाइड, एंड पिछले 6-7 साल से वो IHMs में ही पढ़ा रहे हैं। पेपर 2 उनसे बेस्ट कोई आपको पढ़ा भी नहीं सकता, आई बेट। पेपर 3 क्योंकि कॉमन पेपर है, फिर भी पेपर 3 जो हाउसकीपिंग है वो आपको मैं पढ़ाऊंगा। मैं हाउसकीपिंग पिछले 12 साल से हाउसकीपिंग पढ़ा रहा हूँ, हाउसकीपिंग मैं पढ़ाऊंगा। फ्रंट ऑफिस आपको एक ऐसे टीचर हैं जो टॉप IHM में भी लेक्चरर हैं, वो आपको पढ़ाने वाले हैं। किचन
मैं जो फैकल्टी हैं, दो फैकल्टी रहेंगी, बेकरी अलग से पढ़ाने, बेकरी के लिए अलग से ट्यूटर हैं और अदर किचन के लिए अलग से ट्यूटर हैं। दोनों ही पिछले 11-11, 12-12 साल से IHM में पढ़ा रहे हैं। मतलब हमारी जो पूरी टीम है, वो पूरी टीम जो है वो एक्सपीरियंस्ड है और IHM में ही काम कर रहे हैं, जहाँ पर आप ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करके टीचर बनोगे कल को। सो कोई डाउट करने वाली बात नहीं है। ऑल राइट, और मैं खुद IHM शिमला में लेक्चरर हूँ। सो आई गेस मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। इसके अलावा भी अगर कोई आपका डाउट रहता है तो गाइज आप इस वीडियो के कमेंट में अपना डाउट पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली उन कमेंट्स पे रिवर्ट करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप यहाँ तक वीडियो को देख रहे हैं, इट मीन्स यू वॉन्ट टू बी अ टीचर इन एनी IHM। ओके, सो इस कोर्स को ज्वाइन करो, है ना, फीस को पे करो, कोर्स को एनरोल करो और 10 तारीख को हम मिलेंगे क्लास में। तब तक बाय बाय एंड टेक केयर।